जा रहे हो, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो। यही दो चार पोटलियां साथ थी तब भी, आज भी, और ये देह। लेकिन अब आत्मा पर खरोचें कितनी बढ़ गई हैं कौन देखता है। कोई रोकता तो रुक भी जाते, बस दिखलाता आंख में थोड़ा पानी, इतना ही कहता ये शहर तुम्हारा भी तो है। उन्होंने देखा भी नहीं पलटकर, जिनके घरों की दीवारें हमने चमकाई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जिनकी चूड़ियां हमने 1300 डिग्री तापमान में कांच पिघलाकर बनाई। किसी ने नहीं देखा कि एक ब्रश, एक पेचकस, एक रिंच और हथौड़ी के पीछे एक हाथ भी है, जिसमें खून दौड़ता है, जिसे किसी और हाथ की उष्मा चाहिए। हम जा रहे हैं, हो सकता है कुछ देर बाद हमारे पैर लड़खड़ा जाए, हम गिर जाएं खून की उल्टियां करते हुए। हो सकता है हम न पहुंच पाए, वैसे भी आज तक हम कहां पहुंचे, हमें कहीं पहुंचने भी कहां दिया जाता है। हम किताबों तक पहुंचते पहुंचते रह गए, न्याय की सीढ़ियों से पहले ही रोक दिए गए, नहीं पहुंच पाई हमारी अर्जियां कहीं भी, हम अन्याय का घूंट पीते रह गए। जा रहे हो ये सोचकर कि हमारा एक घर था कभी, अब वो न भी हो, तब भी उसी दिशा में जा रहे हम। कुछ तो कहीं बचा होगा उस वक्त जो अपना जैसा लगेगा। हमें वहां नहीं रहना जहां हमारी हैसियत हमारे ठेले से भी कम। अहमदाबाद से आया हूँ, सुबह बोले लोग 4 बजे तुम्हें छोड़ने के, सुबह से आधे घंटे बस आ रही है, बस आ रही है, अभी तक बस नहीं आई। घर के बेटा का तबियत खराब है, क्या घर कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं छोड़ रहा है। अभी तुम लोग कहाँ पे हो? हम मैं अभी कुटनी में हूँ, मुझे सिवान जाना है सर, बेटे का तबियत खराब है सर। खाना मिला? खाने के छोड़िए, हमें नहीं चाहिए सर, बेटे से मर के खाना है क्या? परिवार नहीं जाएगा तो क्या करेंगे खा के सर? हमें जाना है सर, हमें बाहर निकलवा दीजिए सर, कैसे भी करके बाहर निकलवा दीजिए सर, हमें मर रहे हैं यहाँ पे। क्यों भाई वहाँ से आ गए? सर वहाँ से खाने को नहीं है, वहाँ पे न्यूज में था सर की जो व्यक्ति उसे बिहार भेज दिया जाएगा, ठीक है, तो हम उसके भरोसे आ गए यहाँ पे। वहाँ से सर यूपी में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं, वहाँ पे क्या बोला गया कि यूपी से तुम लोग को बिहार भेज दिया जाएगा? हाँ, जी वहाँ से भेजा गया है, ये बात तुम लोग कौन बोला था? यूपी सरकार ने जान कर के बस भेजा है वहाँ से यहाँ पे, मैंने यहाँ तक यूपी सरकार तुमको भेज दी, लेकिन बिहार सरकार तुमको नहीं भेज रही है। सरकार जो है ना, यूपी सरकार से हमारे साथ पूरी तरह सहमति से है, ठीक है, लेकिन बिहार वाले सर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यही बोला गया था कि तुम लोग को बिहार सुबह 4 बजे अभी बस से छोड़ दिया जाएगा, कल शाम को बोला गया अभी तक बस नहीं आई, आधे घंटे में सर हम बाहर निकाल सर, खाली देखियो लॉक लगा है, लॉक लगा के चलेगा, कैदी की तरह की हम लोग खाने को प्रदेश से, हम घर से आए कमाने के लिए प्रदेश, और यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है हमारे, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे मोदी जी को, ये बताओ। मोदी जी ने कोई सोचा है किसी गरीब आदमी को? ये सोचा कि चलो मैं इतने दिन को बंद कर रहा हूँ, इतने दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, अगर बंद करने पर खाने वक्त का इंतजाम देखो मजदूर आदमी कोई है या नहीं, या खाने को किसी ने आज है।
पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो, जोर से पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो। इसका पूरा सर मुंह से होता है, आंखें बंद कर लो, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जा बेटा, तू भी पीछे घूम जा। अरे आप पहुंच जाएंगे, आप रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना हुई, आप पहुंच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो क्या, खा लीजिए आप, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रो क्यों रहे, अच्छा बताइए आप, घर पहुंच जाएंगे आप, रोइए मत। सभी को खाना खिलाया जा रहा है, अरे पागल हो क्या, आप लोग हमारे साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, चाहे कोई भी हो। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से लंगर लग गया है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा परमल कमेटी तरफों में लंगर लगाया गया है। पहले से सोच रहे थे कि एक लाइन लगवाइए, पर एक लाइन लाल किले तो भी अग्गे निकल गई थी, कोने ते एक जैन मंदिर हैगा है, जैन मंदिर तो भी सीधे हाथों लाइन मुड़ गई थी, इन्नी लंबी लाइन सी, असी दो लाइन लगवाइया, तो गौरी शंकर मंदिर तो भी अगे पार कर गई सी, और असी एक लाइन लगवाते तो बहुत दूर तक चला जाता, करीबन एक डेढ़ किलोमीटर की यह लाइन हो जाती, तो देख सकते हो। यह तुम मैं जो वे दिखा रहे हैं, 20-25 मिनट तो लंगर शुरू हो चुके हैं, जिन्हें लोग हले हगे ने, इस तो काफ़ी ज़्यादा लोग पहले लंगर ले जा चुके ने, उसके बाद भी हले लाइन बहुत लंबी है, तुसी देख रहे हो बहुत लंबी लाइन है, जेडे लंगर लेके चले गए थे वो लंगर उधर साइड ते खा रहे ने। कहाँ जा रहे हैं आप लोग भैया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही मैडम आप, गांव कहाँ पर, जा रहे हैं ये सोचकर कि हमारा एक घर था कभी, अब वो ना भी हो, तब भी उसी दिशा में जा रहे हैं, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, यही दो चार पोटलियां साथ थी तब भी, आज भी, और ये दे। लेकिन अब आत्मा पर खरोचें कितनी बढ़ गई हैं, कौन देखता है, कोई रोकता तो रुक भी जाते, बस दिखलाता आंख में थोड़ा पानी, इतना ही कहता ये शहर तुम्हारा भी तो है। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.